नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में मतभेद होने संबंधी बयान पर भाजपा नेता और मंत्री रामसूरत राय ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 30% से अधिक है। गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतिहारी के रहने वाले शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में 1.83 मीटर कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शरद को इस जीत पर बधाई दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। महंगाई के मुद्दे को लेकर आरएसएस का संगठन भारतीय मजदूर संघ महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के ऊपर महंगाई को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने त्योहारों से पहले देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए 28 जोड़ी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ध्यान रहे, बिहार से चलने वाली ये सभी ट्रेनें आरक्षित होंगी। कोरोना के बीच ये सभी ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसलिए यात्रियों को एहतियात का पूरा ध्यान रखना होगा। रोहित शर्मा ने टेस्ट रैंकिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो पहली बार टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंच गए हैं। उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। रोहित एक स्थान के फायदे के साथ 5वें स्थान पर है, वहीं कोहली एक पायदान नीचे आकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। अन्य कोई भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है। पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी सता रही थी, लेकिन सितंबर महीने के पहले ही दिन इंद्रदेवता जमकर बरसे। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगस्त महीने के दौरान सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन देश में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। आज यानी सितंबर के पहले ही दिन देश के कई राज्यों में जमकर बारिश देखने को मिली। देश की दूसरी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी सितंबर के अंत तक बाजार में आ सकती है। जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन है और यह एकमात्र वैक्सीन है जिसे भारत ने 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कुछ दिनों पहले अहम बैठक हुई है। इसमें प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने की संभावनाओं पर वरिष्ठ नेताओं के विचार पूछे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वरिष्ठ नेता उन्हें कोई विशेष दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। यह बैठक महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई थी। कर्नाटक के संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने 29 अगस्त को केंगेरी तक विस्तारित मेट्रो रेल सेवाओं के उद्घाटन के दौरान कन्नड़ भाषा की कथित अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए बैंगलोर मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है। आरोप है कि केंगेरी तक मेट्रो सेवाओं के शुभारंभ के दौरान किसी भी बोर्ड में कन्नड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत में स्टार्टअप का एक विशिष्ट तंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्टार्टअप इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से उद्यमिता को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप भारत अमेरिका की भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। विवादों में रहने वाली पायल रोहतगी के खिलाफ पुणे में FIR दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट्स है कि उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो की वजह से उन पर एक्शन लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बेहद आसान तरीके से लोन की सुविधा देने के लिए यह ऑफर पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक ने इस फेस्टिव ऑफर के जरिए अपने सभी प्रमुख खुदरा उत्पाद जैसे होम लोन, ऑटो लोन, प्रॉपर्टी लोन, पेंशन गोल्ड लोन पर लगने वाले सभी सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को माफ कर दिया है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने विराट कोहली का समर्थन किया है और कहा है कि वो बहुत जल्द बड़ा स्कोर करेंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज में लगातार विफल होने के कारण भारतीय कप्तान को अपनी तकनीक में रातों रात बदलाव करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की तारीफ भी की। इंडियन आइडल की रनर अप अरुणिता जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति 13 में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी नजर आ सकती हैं। सेट से वायरल हुई तस्वीर में अरुणिता KBC के होस्ट अमिताभ बच्चन और अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अरुणिता अब KBC का हिस्सा बनने वाली है।
भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी कई देश ने कोविड शील्ड को लेकर के मंजूरी दे दी है। इनमें फ्रांस, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े देश शामिल है। इसके अलावा भारत ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की थी, जिसके लिए WHO ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा था। हम आज आपको उन देशों की लिस्ट बता रहे हैं जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कई देशों के नाम शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच विवाद को सुलझाने गए थे, जहां रावत ने अपने बयान में सिद्धू और उनके चार वर्किंग प्रेसिडेंट्स को तुलना करते हुए सिख धर्म के महान पंच प्यारों से कर दी थी, जिसके बाद सार्वजनिक माफी उन्होंने मांगी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2021 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एडमिशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ गई है। अभ्यर्थी अब 15 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac पर या फिर इग्नू के समर्थ पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारत में खेलने के अपने फिल्मी सितारे जैसे अनुभव को याद किया। दक्षिण अफ्रीका के staticrimad.com के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, यहां आपको एक रॉक स्टार की फीलिंग आती है, आपके साथ हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार की तरह व्यवहार किया जाता है, वहां क्रिकेट के लिए क्रेजीनेस बहुत है। LPG सिलेंडर के रेट में 25 रुपए बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर लगातार हमला करती रही है और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों को हटाकर इस उत्पाद के दाम कम करने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में असंगठित केंद्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद कामगारों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा और दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो पिछले कुछ समय से बीमार है। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तबियत काफी बिगड़ने की वजह से उन्हें 3 दिन पहले मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां वो ICU में है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मंगलवार को कहा कि चिप की कमी के कारण सितंबर में उसके वाहन उत्पादन में 60% की गिरावट आएगी। चिप की कमी एक ऐसी समस्या है जिनका सामना कई वैश्विक कार निर्माता कंपनी कर रही है। बता दें कि मारुति ने अगस्त में भी प्रोडक्शन में कटौती की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,965 नए मामले आए हैं, जबकि 460 लोगों की जान चली गई है। अकेले केरल में 30,203 मामलों की पुष्टि हुई और 115 लोगों की जान गई है। वहीं 33,964 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 378,181 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या 4,39,020 पर पहुंच गई है। वहीं कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,19,93,644 पर पहुंच गई है। भारत में अब तक नए कोविड-19 वेरिएंट C1.2 का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की बढ़ती चिंता के बीच घातक वायरस के अब एक नए वेरिएंट का पता चला है। हालांकि देश में ऐसी किसी भी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, जो कि एक राहत की बात है। हाल ही में KBC के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने सहवाग से पूछा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से मैच जीत जाती थी तो फिर वो क्या सोचते थे। इस पर सहवाग ने जवाब दिया कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सहवाग ने अमिताभ के इतने कहने के बाद आगे कहा, हम तो बाप ही है उनके। यूपी चुनाव में योगी सरकार को करारा टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वो 2022 के राज्य चुनाव में सभी 403 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार को उतारेगी। OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेर शाह को दर्शक और क्रिटिक्स बेहद पसंद कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर आधारित यह फिल्म भारत में Amazon पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। व्हाट्सएप कंपनी ने जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 16 जून से 31 जुलाई के बीच व्हाट्सएप द्वारा 30 लाख से ज्यादा भारतीय खातों पर बैन लगा दिया गया है। निलंबित किए गए खातों की वास्तविक संख्या 30,27,000 है। ज्ञात हो फॉरवर्ड मैसेजेस के ऐप को गलत इरादे से इस्तेमाल आदि सहित विभिन्न शिकायतों पर खातों को निलंबित कर दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, ओमकार सिंह, किशोर प्रसाद, राजेश कुमार पटेल, DK रवि, अनिल आलोक, गुड्डू कुमार, राजेश सोंथियाल, रूपेश कुमार, पंचदेव कुमार, गुलाम शबीर, कुश कुमार यादव, अमन कुमार, अभिमन्यु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल
हाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार देश के नेशनल हाईवे को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।